जैन साथियों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं, उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि SIS कैसे ज्वाइन करूं, SIS कैसी कंपनी है, SIS में कितनी एज, कितनी हाइट, कितनी वेट, कितनी क्वालिफिकेशन लगती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी फीस लगती है, कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, पोस्टिंग होगी तो कहाँ पोस्टिंग होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो के जरिए इन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मैं आप सबको दे दूं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप SIS कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, SIS ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आप अपने नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर में जा सकते हैं, वहां से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग होने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा। मैं आपको बताता हूं क्या नियम, क्या शर्तें हैं। कम से कम आपकी एज जो है वो 21 साल या उससे अधिक होना चाहिए। आपकी एज मिनिमम 21 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 37 इयर्स होना चाहिए, यानी कि आपकी एज 21 से 37 साल के बीच होना चाहिए। आपका वेट, वजन कम से कम 56 किलो होना चाहिए या उससे अधिक है तो अच्छी बात है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए, यदि उससे अधिक है तो बहुत अच्छी बात है, है ना। ये सभी चीजें यदि आपके पास हैं और ट्रेनिंग सेंटर में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं, अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक वगैरह भी लेकर के जाते हैं, आपके सारे कुछ चेक करके अगर सही पाया जाता है तो आपको वहां पर एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन भी ले लिया जाएगा। एडमिशन फीस वहां पर जो है ट्रेनिंग का 10,850 रुपया है। 10,850 रुपया देकर के आप एडमिशन ले लीजिएगा। आपको वहां पर एक महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक महीना के ट्रेनिंग में आपको वहां पर रहना, खाना, सोना, ट्रेनिंग का जितना भी खर्च है वो ट्रेनिंग सेंटर खुद उठाते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग के दौरान पीटी शूज, पीटी ड्रेस, ड्यूटी शूज, ड्यूटी ड्रेस, कैप, बेल्ट, जैकेट वगैरह जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी वर्दीज होते हैं, सारे आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही दिए जाते हैं। और एक महीना के ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिलेगा। आपको अनुशासन के गुण सीखने को मिलेंगे, आपको ड्रिल सीखने को मिलेगा और एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या क्या ड्यूटी होता है, सारे ड्यूटियों को आपको वहां पर सीखने को मिलेगा। और वहां पर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देकर के एक कंप्लीट ट्रेंड परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाएगा। और जब आप पोस्टिंग में जाएंगे तो आप अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका मूवमेंट ऑर्डर कटता है। मूवमेंट ऑर्डर वो होता है जैसे आपको कहीं पोस्टिंग करना है उसके लिए एक लेटर दिया जाता है। मान लीजिए आप गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग किए हैं तो वहां से मान लीजिए अगर आप हैदराबाद आना चाहते हैं तो आपको हैदराबाद में किसी ब्रांच का मूवमेंट ऑर्डर काट के दे दिया जाएगा। आप वो मूवमेंट ऑर्डर लेके जाओगे हैदराबाद, हैदराबाद ब्रांच ऑफिस में रिपोर्ट करोगे, वो हैदराबाद ब्रांच ऑफिस वाला आपको कहीं अपने यूनिट में ड्यूटी दे देगा, फिर आप अपना ड्यूटी करोगे। और ड्यूटी दो तरह का होता है, एक 8 घंटे का ड्यूटी होता है, एक 12 घंटे का ड्यूटी होता है। अगर आप 8 घंटे का ड्यूटी करना चाहें तो आपको 8 घंटे का भी मिल जाएगा, अगर आप 12 घंटे का भी ड्यूटी करना चाहें तो 12 घंटे का भी मिल जाएगा। सैलरी थोड़ा सा अलग फर्क होता है, 8 घंटा में थोड़ा कम सैलरी मिलता है, 12 घंटा में थोड़ा ज्यादा सैलरी मिलता है। मान लीजिए अगर 8 घंटे का सैलरी 14,000 है तो 12 घंटे की सैलरी 18,000 मिलेगा, है ना। और अगर आप SIS में पैसा कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो आप जरूर बड़े सिटीज को चूज करें, मेट्रो सिटीज को चूज करें, वहां पे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इन सभी शहरों में आपको ज्यादा सैलरी मिलेंगे। और मैंने भर्ती से संबंधित लगभग सभी बातों को आप सबको बता दिया है। अगर आप लोग SIS ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी SIS के ट्रेनिंग सेंटर में जाएं, वहां से आपका भर्ती हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे फिर से पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।